हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जापान में जो रहते हैं वो का अक्सर मुझसे कहते हैं आप हलाल फूड जो भी शॉप हैं और रेस्टोरेंट हैं उसे शेयर करें। तो आज मुझे मौका मिला सदीक रेस्टोरेंट, आप लोग जानते होंगे टोक्यो में पहले से था। आज काफ़ी उनसे इजाज़त वगैरह लेके और उन्होंने बोला कि आप वीडियो बना सकती हैं। तो लास्ट मंथ इनकी ये ब्रांच खुली है यहाँ पर याशियो में, साइतामा में। तो मुझे था मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। आपको दिखाती हूं कि इनका बाहर से लुक, एक तरफ मार्ट है और एक तरफ रेस्टोरेंट है। यहां पे आपको नज़र आएगी मार्ट वॉशिंग ट्रेडिंग जापान और ये इन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है आपको सिद्दीक रेस्टोरेंट। बाकी मार्ट का विज़िट जो है उमेर और मैं आपको अंदर मिल के दिखाते हैं। अभी मेरा था कि आप लोग बाहर से देख लें। इन्होंने जापान में नॉर्मल जो हम मैंने हलाल फूड देखे हैं वो बहुत एक छोटी सी दुकान होती है और उसमें सब कुछ ठूंसा हुआ होता है। तो मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने काफ़ी पाकिस्तानी स्टाइल में, और जैसा हम देखते हैं आप सोसाइटीज़ में जाते हो तो आपको नॉर्मल मार्ट जो नज़र आती है बिल्कुल वैसी ही वाइब देती है आपको। तो बहुत अच्छी और खुली सी जगह है जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर एक तमीज़ के साथ सब चीज़ें सर्व कर रहे हैं आपको, और ए टू जी आपको सब चीज़ें मिल रही हैं। काफ़ी जब हम आ रहे थे हमें चीज़ें नहीं मिलती थी अवेलेबल, जैसे आम नहीं होता था, हम लोग खुद आम लेकर आते थे अपने साथ छुपा के, क्योंकि जापान अलाउ नहीं करता था। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वो लीगल प्रोसेस के साथ अब यहाँ पे मैंगो भी मिल रहे हैं, पाकिस्तानी मैंगो। और इसके अलावा जो भी जितनी चीज़ें आप यहाँ पे, अभी मैं दिखाती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। मिठाई आपको मिल रही है, खाना आपको मिल रहा है, फास्ट फूड मिल रहा है, इसके अलावा रेडी टू ईट फूड मिल रहा है, मटन बीफ सब कुछ आपको, फ्रोज़न मीट मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा है। पर्सनली मैं यहाँ से, मतलब मुझे अगर घंटा भी ड्राइव करके आना पड़े तो मेरे ख्याल से मैं यहीं पे आऊँगी। बजाय वो छोटी शॉप में मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मसला करती है आपको, और अक्सर वहाँ पे ज़्यादा लोग घुस जाएँ तो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आता कि आपने क्या लेना है, जल्दी से निकल जाओ। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे उमेर। तो उमेर बताते हैं आपको मार्ट के अंदर क्या क्या है। आप लोगों ने जैसे सुबह ने बताया कि आज हम लोग आए हैं नेशनल मार्ट। इस वीडियो बनाने के तीन मकसद हैं, ठीक है। पहला, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जापान के अंदर क्या उनके ट्रेडिशनल फूड मिलते हैं, जैसे कुछ स्पाइस या समोसे और ये सब कुछ, ठीक है, अवेलेबल हैं जापान में। क्योंकि जापान नॉर्मली कनाडा, अमेरिका, इनके बारे में हम लोगों को पता होता है क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे लोग गए हैं और इधर ये चीज़ें डेवलप हो गई हुई हैं। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि जापान भी पीछे नहीं है, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा वो भी दिखाते हैं। एज ए रेस्टोरेंट भी यहाँ पर ये शॉप है, और हलाल फूड यानी कि इधर आपका अपनी स्पाइसेस ग्रोसरी आप कर सकते हो। तो लेट्स सी अंदर क्या क्या मिलता है, फिर मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। सो अगर आप लोगों को पता हो तो दिस इज़ मोर लाइक पाकिस्तान में केक्स एंड बेक्स टाइप है ये। तो हम यहीं से शुरू करते हैं पहले से। आज यहाँ पे रश है बिकॉज सैटरडे नाइट है। ये है नान, ठीक है, आप इनको लेके जाएँ फ्रीज फॉर्म में, आप घर लेके जाएँ इनको, शायद थोड़े से सब अभी तो बताएंगे, अलबत्त ये तवे भी बन जाते हैं। सॉरी, अब चूँकि हम लोग वो, आपको माहौल भी लग रहा होगा कैसे, जैसे मैं इन्हीं मुल्कों में आ गया हूँ सब कॉन्टिनेंट की, तो वैसे ही माहौल है। ये फिशेस, फिश वगैरह पड़ी हुई है, थिंक दिस इज आइसक्रीम मे बी, और दो तीन तरह की आइसक्रीम पड़ी हुई है। ये आपको हलाल मीट मिलेगा यहाँ पर, कीमे की फॉर्म में भी है और गोश्त भी है, ठीक है। एंड यहाँ पर चिकन नहीं पड़ा हुआ, चिकन शायद वो आगे पड़ा हुआ। तो ये गोश्त हो गया, मीट हो गया, ठीक है, और जो दो तीन तरह के गोश्त होते हैं जो खाए जाते हैं, खैरियत। तो ये हो गया रेड मीट और ये आ गया चिकन, ठीक है, और दिस इज़ आल्सो हलाल चिकन, तो वो हो गया। और इसके अलावा ये ऊपर जो है वो तंदूरी चिकन बोनलेस ऑलरेडी है, बर्गर की पैटी है, वो सब कुछ हो गया। और फिर हम इधर आगे आते हैं, तो ये तो लोकल्स पड़ी हुई है फिजी ड्रिंक्स, ठीक है, और इसके अंदर कुछ वो जो यहाँ पे कॉमनली जापान में नहीं मिलते, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये कुल्फा दूध है, आई थिंक सो, ठीक है, और इनकी दूसरी ब्रांच में शायद अभी स्टॉक खत्म हो, अदरवाइज बादाम का रबड़ी और वो वाले दूध भी मिलते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा हम ये आगे आते हैं तो फ्रूट के जूसेस, ठीक है, अच्छी मैं बता दूँ ये यहाँ के लोकल नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली ये किसी और, ये गुआवा है यानी कि अमरूद, प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अमरूद का जूस नहीं मिलता, तो ये गुआवा है, ठीक है। इसके अलावा पहले हम ये कवर करेंगे खजूरें, ठीक है, और अंजीर, और ये क्या है, आलू बुखारा, आलू बुखारा हम लोग अक्सर खानों में डलते हैं, बिरयानी में भी डलते हैं, तो वो भी। और इसके अलावा ये, जब हमारे बड़े यहाँ पे आए थे 1980s के अंदर, तो वो बताते थे कि वो ये सब कुछ अपने मुल्कों से कैरी करते थे, और लेकिन अब ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे बिरयानी बनाने के लिए पतीला, ठीक है, और कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई, और छोटी कढ़ाई, तवे रोटी बनाने के लिए, और बेलना भी,
ठीक है। सो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। ऊपर आप देखो तो प्रेशर कुकर भी है, वैसे जापान में इनके अपने भी मिलते हैं प्रेशर कुकर, तो वैसे प्रेशर कुकर भी है। और इसके बाद आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट दिस इज मखाना, ठीक है, और राइस फ्लेक्स, ठीक है, और ये क्या है, पोहा। ये अभी इंडियंस को ज़्यादा बेहतर पता होगा, मखाने नहीं, मखाना तो कुछ और है, पुदीना पंच, ये शायद उन्हीं के ऊपर कुछ फ्लेवर्ड करके बनाया है इन लोगों ने, ठीक है। और बेसन ऑफ कोर्स, और कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर ये थे एक चक्की का फ्रेश आटा, ठीक है, मतलब, और अंबिका कंपनी। एक और वीडियो, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी वो अपलोड हो चुकी होगी, तो उसके अंदर हमने इनमें से कुछ आइटम्स को ट्राई भी किया है, तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी हो तो दिए हुए लिंक पे क्लिक करके चेक करें, ठीक है। मज़ीद ही अच्छा, ये नीचे आटे पड़े हुए, ठीक है, बड़ी फॉर्म में, अगर आपकी यहाँ पे बड़ी फैमिली शिफ्ट होती है तो ये सारी आगे आपकी रोटी वाली साइड, दैट मीन्स के जो बेसिकली देसी ब्रेड है उसका सारा सामान यहाँ पे। अब हम इधर आ जाते हैं तो ये राइस है, ठीक है, एज राइस, राइस बासमती राइस ऊपर लिखा हुआ है, लाल किला कंपनी है। तो ये पाकिस्तान के पड़े हुए हैं मेहरान के चावल, बासमती कर्नल, ठीक है, तो वो हो गया। छोटी पैकिंग है, ये बड़ी पैकिंग है, वो इससे भी बड़ी बड़ी ग्रैंड पैकिंग हैं। और इसके बाद ये सारी चावल की किस्में लगी हुई हैं, तो और ये यहाँ पे इंडियंस को मैं दिखा देता हूँ, हम तो इन्हें जानते हैं, आप भी इन्हें जानते होंगे, अमिताभ बच्चन। तो पॉइंट इसकी यहाँ पे सब कुछ मिलता है। ये आगे आपके कुकिंग ऑयल्स, ठीक है, जाहिर है जापान के अंदर ऑयल इतना यूज़ नहीं किया जाता, ये उसमें से तल के नहीं खाते, दे आर मोर लाइक सुशी पीपल। हेलो, यहाँ पे ऑयल जो हैं वो हर तरह के पड़े हुए हैं। और ये मैं बताता चलूँ, मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाके आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखा दूँगा, ये सारे जो हैं वो इंडिया या पाकिस्तान से आए हुए हैं। अभी मस्टर्ड ऑयल आई थिंक, सो इसके ऊपर हिंदी लिखी हुई है, यहाँ शायद कहीं और लैंग्वेज भी हो सकती है, नेपाली भी कुछ ऐसी लिखी जाती है, तो प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा ये छोटी मोटी चीज़ें ये हमारे घरों में नहीं यूज़ होती, लेकिन ये शायद पीसने के लिए, ठीक है, मसालों को बनाने के लिए वो सब कुछ है, और शायद ये कॉपर का गिलास, और ये जिनको आदत है यूज़ करने की, तो बेसिकली ये कि ना सिर्फ कॉमन चीज़ें बल्कि यूनिक चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सौगात जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा, ठीक है, तो ये दोनों बड़े फेमस ड्रिंक है पाकिस्तान के, रमज़ान में बहुत ज़्यादा पिया जाता है अफ्तारी के टाइम पे, उसके अलावा भी, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा तपाल दानेदार, व्हाट एल्स यू वांट, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इन जापान फ्रॉम पाकिस्तान, ये कुछ ऐसे ही है पाकिस्तान की, तो तपाल दानेदार पड़ी हुई है, और जामे शरी और रूह अफ़ज़ा, और ये तो हमने भी पढ़ा कभी इस्तेमाल किया पाकिस्तान में, तोकला, यहाँ पे जिनका भी भूख लगी हुई है, और उन्होंने जापान में बड़ी उन्होंने अलग रह की थी, हमारे मुल्क में हमारे टाइप का खाना नहीं मिलता, तो ये देखें ये तमाम तरह की दालें। मैं आपको अभी तक आटा दिखा चुका हूँ, चावल दिखा चुका हूँ, पर अब बारी है दालों की, तो ये तमाम दालें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा स्वीट के ऊपर डेजर्ट के लिए घर में बनाने के लिए जेली, फ्राइड प्याज भी है तड़का लगाने के लिए, और पिशावरी और अफगानी कावा भी है, आई लव इट यार, ये मुझे देखना पड़ेगा ये, चलो मैं बाद में देखता हूँ, ये अपने लिए भी खरीदूँगा, तो ये हो गया। और इसके अलावा शान की जेली बनाने की चीज़ें, नीचे सारी दालें हैं जिसके अंदर, अब ये दालों के नाम भी मैं आपको बता रही हूँ, तो देखने से पता लग जाता है कौन कौन सी दालें हैं, जैसे मुझे नहीं वैसे पता, और कुछ इंडिया की हैं बल्कि, और कुछ जो हैं वो पाकिस्तान से इंपोर्ट की गई हैं लोकल पैकिंग में भी, और बाकी ब्रांडेड जो कि इंडिया के ही किसी ब्रांड से मंगवाई हुई है, तो ये सब कुछ भी अवेलेबल है। इसके अलावा लोबिया और दालें, ऑफ कोर्स रेड बीन्स, और इसके बाद ये क्या है सब भाई आपको बताओगा, सेवियाँ बनती हैं इनको, वैसे कुछ और कहते हैं खेवनियाँ, तो मैं फैनी फैनी लिखा भी हो ऊपर, तो आप ये चेक करें कि ये तक चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, और ये नीचे सेवियाँ भी पड़ी हुई हैं जो सबा मेंशन कर रही थी अभी, ठीक है। और पाकिस्तान इंडिया में शायद कॉमन जगह पर मिले ना मिले, लेकिन प्योर देसी घी आपके जापान में अवेलेबल है अमूल का, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर कुछ पिकल्स पड़े हुए हैं, अचार शान के मिक्स भी मिलते हैं, ये तो खैर ड्राई फ्रूट्स हैं, जापान में इनके लोकल भी मिलते हैं, आप चाहे अपने मुल्क का लेना चाह रहे हो तो वो भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकल मिलते हैं, बताने की बात ये कि ये भी अवेलेबल है। चटनी है, और ये सारे कुछ जो बोटल फॉर्म के अंदर है, इधर जैम्स भी पड़े होंगे और अचार वगैरह भी। अब इधर दोबारा से ये पत्तियों वाला रैक ही है, ठीक है, जिधर वाइटल की पड़ी हुई, और मैंने पहले तपाल दाने दिखाई, अब दूसरी सबसे नीचे इसकी तो मैंने ऐड भी देखी हुई है इंडिया की,
सरताज, आपने कभी देखी है? अच्छा, मैंने देखी है और आप लोगों ने भी देखी है तो कमेंट करें। वाटिका के हेयर कलर्स, हैंड एंड शोल्डर के शैम्पू, डाबर आमला, ठीक है, लंबे बालों का राज, और हाशमी के कुछ प्रोडक्ट्स, हमारे लोकल बॉडी स्प्रेज जो हमें मिलते होते हैं, वाटिका की ही ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, नेविया की चीज़ें पड़ी हुई हैं, नेविया वैसे वहाँ यहाँ पे वैसे भी मिलता है, और हिमालय की भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बेसिकली गर्म मसाले ही पड़े हुए हैं मेरे सामने। हाँ, फिश कड़ी वगैरह, इवन जो आपको जिस तरह पाकिस्तान में शान के मसाले होते हैं, आप सब ने बिरयानी की ऐड देखी होगी शान की, तो वो भी। इसके बाद MDH का गरम मसाला, ज़्यादातर MDH के प्रोडक्ट है, मैं MDH को जानता हूँ पाकिस्तान में रहने के बावजूद, आप लोग जानते हैं या नहीं जानते कमेंट में बताएं। और ये सारे शान के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, MDH और शान के, अब ये शान के ही हैं सारे। इधर शान का बिरयानी मसाला भी बनेगा, जिसकी बड़ी एक फेमस ऐड थी जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी, और सारे गरम मसाले पैकेट फॉर्म में, और बिरयानी मसाला, कढ़ाई मसाला और एनीथिंग। फिर अब हम लोग आ जाते हैं फ्रोजन के अंदर, तो वेजिटेबल स्प्रिंग रोल, ठीक है, जो आप केचप के साथ खा सकते हैं, चिकन के नगेट्स टाइप, ठीक है, बर्गर्स की पैटीज, और फिर अब आप देखते जाएं पोटैटो समोसा, फ्रोजन टमेटोज, चीज समोसा पड़े हुए हैं, आलू वाले समोसे भी पड़े हुए हैं, नगेट भी पड़े हुए हैं, वेजिटेबल समोसा भी पड़े हुए हैं, पराठे पड़े हुए हैं जो फ्रोजन है, जस्ट निकालें और गर्म करके खा लें, तो पराठे भी पड़े हुए हैं। और इसके बाद दोबारा से कुछ क्वांटिटी मीट की, और इवन यहाँ पे हलाल हॉट डॉग नहीं मिलते, तो दीज आर हलाल हॉट डॉग, ठीक है, जिसको आप काट के पेपरोनी बना लेते हैं, और ऊपर कुछ शहद और ये सब कुछ अलग आ गया। नूडल्स, नूडल्स की तीन चार किस्में पड़ी हुई हैं पिछले दिनों से, ठीक है, और अहमद फूड के मसाला जात, कोरमा और ये सब कुछ पड़ा हुआ है। बेसिकली आपको यहाँ पे तीन बड़े ब्रांड मिल रहे हैं, MDH, शान और अहमद, ठीक है। अच्छा, ये भी चिकन पड़े हुए, उन्होंने कवर किया हुआ, आई डोंट नो क्यों, बट हलाल चिकन ये भी पड़ा हुआ। और इसके बाद जहाँ पे भी दोबारा से फ्रोजन की कुछ आइटम अवेलेबल हैं, जिसके अंदर वही मीट है और हॉट डॉग्स हैं। तो यहाँ पे आपको पाकिस्तानी और इंडियन ड्रेसेस भी मिलेंगे, ये उन्होंने कुछ सैंपल के लिए यहाँ पे लगाए हुए हैं डिस्प्ले में, और अंदर जाती हूँ, मैंने खुद भी नहीं अभी देखे, मैं भी देखती हूँ साथ में, और बहुत स्पीड वाला पंखा लगा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले काउंटर पे इन्होंने रखी हुई है कुछ बैंगल्स वगैरह, चूड़ियाँ, और थोड़ी बिखरी हुई हैं, पता नहीं कोई देख के गया पहले से, तो ये यहाँ पे आपको बैंगल्स भी मिल रही हैं, ये फुल सेट, हाफ सेट, जो भी आपको चाहिए। अब तो खैर पाकिस्तान में मुझे बैंगल्स की एक अरसा हो गया। और ये रहे प्रॉपर यहाँ पे, जो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे जो फैमिली काम कर रही हैं, ये मेरे ख्याल से उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग या फिर वो ही ला रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट ब्रांड आया होगा अभी तक। तो ये जो फैमिलीज हैं, उनका ही कोई बिजनेस का पार्ट है आगे। तो ये आपको ड्रेसेस भी, अगर आपको इमरजेंसी में यहाँ पे कोई इवेंट करना पड़ेगा, काफ़ी फैमिली ऐसी होती हैं जो कितने अरसे पाकिस्तान ही नहीं जा पा रही है, इंडिया नहीं जा पा रही, तो वो यहाँ से ही लेके ड्रेसेस वगैरह, तो अपना इवेंट वगैरह खुद ही सेलिब्रेट कर लेती। तो ये आपको थोड़े फैंसी एक उतार के दिखा, मतलब ठीक है, अगर आप बाहर रह रहे हो और आपको थोड़ा सा अपना कल्चर भी इंजॉय करना है साथ में, तो अच्छा ड्रेस है, बुरा नहीं है, हाँ, ईद वगैरह के लिए। और इसकी प्राइस क्या है? 6000। अब वो स्टिच्ड है, कपड़ा है, एम्ब्रॉयडरी है, तो मेरे ख्याल से बड़ा मुनासिब है यहाँ पे। तो ड्रेसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं दिखा तो नहीं पाऊँगी। सो यहाँ पे सिंपल शर्ट जो है, मैं कौन से पिक करूँ, सिंपल ही उठाती हूँ मैं। अच्छा, ये अटक गई है, ये है यहाँ पे सिंपल शर्ट जो उन्होंने कहा हुआ है कि स्टिच के साथ आपको मिलेगी 1500 में। तो कपड़ा है जो भी है, पाकिस्तान से आया हुआ, सब कुछ मिला के तो बहुत चीप है अगर आप जापान में रह रहे हो। तो ये देखें, अगर आपको फेस्टिवल में पहनना है, अब तो यहाँ पे पाकिस्तानी शादियाँ भी होती हैं, मतलब जो पहले से आए हुए अंकल वगैरह, उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो रही हैं, तो आप ऐसे किसी शादी के इवेंट में भी इसको पहन सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से बड़ा यहाँ के, यहाँ पे रहने के लिए बहुत मुनासिब है, अगर मैंने इवेंट पे जाना है तो। और इवेंट पे जाने के लिए, फेस्टिवल पे जाने के लिए भी आपको मिल रहे हैं, और घर में पहनने के लिए भी आपको कपड़े मिल रहे हैं, और यहाँ पे दुपट्टे लगे हुए हैं साथ में, और यहाँ से फिर थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह का सेट है। ये उन्होंने हलाल फूड के अंदर भी आपको एक छोटा सा पार्ट दे दिया कि ख़वातीन भी आके इंजॉय कर लें अपनी ग्रॉसरी। चाहे कंटिन्यू करती हूँ आगे यहाँ से। अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, किपी का, ये मेरे ख्याल से पीनट बटर मिल रहा है। इसके अलावा आपको जैम और सीरे, बच्चों के
सेरेलैक वगैरह भी है, डाबर का ये क्या कहते हैं उसको लोग पीते होते हैं, च्यवनप्राश, च्यवनप्राश। और यहाँ पे इंडियन स्नैक्स बांग्लादेश और नेपाल के और सब कुछ पाकिस्तान के भी वन आपको मिल रहा है। ये रहा जो आप हमारी वीडियो देखेंगे जो हमने अपलोड कर दी हुई, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। ये सारे आपको स्नैक्स, आपको इंडियन पाकिस्तानी, ये हल्दीराम को कौन नहीं जानता, मैं तो अब जान चुकी हूँ पूरी तरह। तो और ये आपको आकाश का मुझे नहीं पता है, हल्दीराम को मैं जानती हूँ, उसके अलावा चड्डास को भी अब हम जान चुके हैं। यहाँ पे बूंदी मिल रही है आपको, निमको है, मतलब चखना चुखना भी आपको मिल रहा है प्रॉपर। इसके अलावा अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन आप अगर आप इंडिया से हैं तो आपको पता होगा, आप बांग्लादेश से हैं तो आपको भी अपने फैक्ट का अंदाज़ा होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे कि आप किस जगह से मुझे देख रहे हो, तो अगर आपको कुछ भी इसमें हेल्प आउट करेगा इस एरिया में तो हलाल फूड आपके लिए अवेलेबल है, आप साथ अपने टेस्ट के हिसाब से इंजॉय कर सकते हैं। अब ये रहा लेज स्पेनिश टोमेटो टेंगो, मेरे को पसंद है ये, मुझे मैं लास्ट टाइम जो लेके गई हूँ हमें अनियन और योगर्ट वाला पसंद आया था ज़्यादा। अच्छा, और इस साइड पे वो नूडल्स का ही है थोड़ा सा और मसाला जात, ये कुछ ये मेरे यहाँ से किसी भी कंट्री से ये जो आजकल था और वो नूडल्स फेमस हुए हैं मेरे यहाँ से उन्हीं का चल रहा है कुछ, तो ये वो है इंस्टेंट नूडल्स। आपको ये मैगी भी मिल रहा है, इसके अलावा शान के कुछ पुडिंग्स वगैरह के लिए कस्टर्ड, और ये जेली है, और ये मेरे यहाँ से आपको पूरा मसाला मिल रहा है मटन दाल गोश्त का, या फिर रेडी टू ईट है ये, बल्कि मसाला नहीं है ये बना हुआ है, बस आपने इसको गर्म करना है घर जाके, और नान रोटी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सब जाओ और ये सब रेडी टू ईट है। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, पंजाबी छोले, मटन दाल गोश्त, लाहौरी छोले, दाल माछ, दाल फ्राई, मटन पाया, करेले कीमा, रेशमी कोफ्ता, मटन कौरमा, चिकन कढ़ाई, दाल फ्राई, चिकन आलू कीमा, मतलब एक पूरे एक रेस्टोरेंट का मेन्यू है यहाँ पे। तो मसाला वेज बिरयानी भी है, बीफ बिरयानी भी है, वो अच्छा सरसों का साग है सबसे, मतलब यहाँ पे रहते हैं आपको साग भी मिल रहा है। अब तो खैर हम घर में भी बना लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है कि यहाँ पे मिलता है साग तो आप यहाँ से ले सकते हो, खा सकते हो। ये गुलाब जामुन का भी कुछ सीन है यहाँ पे, सीन ऑन है, मतलब सब चीज़ें मिल रही हैं आपको यहाँ पे, अहमद कस्टर्ड और कुछ अच्छा ये इनका मुझे हाँ डिज़र्ट, मीठे में भी आपको जितना कुछ चाहिए आपको सब मिल जाए। आप फिर से जामी शीरी है और बिस्किट्स वगैरह हैं, पार्ले जी भी है, मतलब यो हाइड एंड सीक, लास्ट टाइम हाइड एंड सीक नहीं था लेकिन ये भी मैंने इंडिया की कमर्शियल देखी हुई है, ये हाइड एंड सीक है, और फैब भी है फैब, और ये गचक जो जानते हैं आपको वो भी मिल रही है, तिल वाली भी है और गुड़ वाली भी है, इवन इनो भी, इनो भी मिल रहा है, और ये जो आप खाने के बाद सौंफ वगैरह, हाँ ऊपर शाही मेवा पड़ा हुआ है, तुलसी पड़ी हुई है, बम्बई सुपारी पड़ी हुई है, और कुछ सौंफ के आइटम और पड़ी हुई है। शाही मेवा और तुलसी तो बहुत ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान की, गल्फ में तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है, इवन हमारे इंडियन भाई भी खाते होते हैं, बांग्लादेशी भाई भी तुलसी खाते होते हैं, मुंबई सुपारी भी सब खा रहे होते हैं, तो मतलब ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने अभी जो आपको स्टोर का विज़िट करवाया, आई डोंट थिंक सो कि आप यहाँ पे आके इतना सा भी मसला होने लगे कि यार यहाँ पे हमारे खाने नहीं मिलते, पर अभी हैं, अभी तो वो है ना कि अगर आपको वैसे तो रेडी टू ईट आपको मिल गया, लेकिन अगर अभी आपके दिल नहीं भरा कि यार खुद पकाना पड़ेगा, या ये पुराना खाना है ठीक है एक्सपायर्ड नहीं है लेकिन गर्म करके खाना पड़ेगा, अब मैं आपको इनको कराते रेस्टोरेंट का विज़िट एटलीस्ट मेन्यू का, तो आपको ताज़ा बना हुआ खाना भी मिला। और ये हैं पाकिस्तानी आम, ठीक है पाकिस्तान के आम मशहूर हैं, तो ये पाकिस्तानी मैंगोज और ढेर सारे, और ये ऑलमोस्ट हमेशा अवेलेबल होते हैं, मतलब सीज़न के अंदर ज़रा ज़्यादा अच्छा आपको ज़्यादा जगहों पर मिल जाते हैं, वरना ये हमेशा अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा ये दही भले इवन आपने बनाने जस्ट दही बनाओ वो सब कुछ रेडी ना, मिक्स में इनको क्रॉसेंस डोनट्स ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आ जाए बड़ी चीज़ जहाँ से मैंने इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया था, वो है इनकी मिठाई। अब चेक करो यार, लड्डू केक फ्रूट केक, ठीक है ठीक है, इसके आगे इस तरफ आए तो केक रस, बिस्किट्स, ठीक है जो बेकरी बिस्किट्स होते हैं वो, फ्रेश इनको नमक पारे यार, और क्या चाहिए, मतलब आई एम श्योर कि काफ़ी ज़्यादा लोकल्स हमारी अपनी कंट्रीज़ के अंदर बेकरी जैसे ये सारी आइटम आपको विद इन वन रूफ नहीं मिलती। फिर इधर है तो ये मिठाई पड़ी हुई है, जलेबियाँ, अब बर्फ़ी और बंगाली चमचम भी है, वो मैंने खाने लेकिन खैर मुझे नहीं पता उनका वो, और उसके अलावा चॉकलेट बर्फ़ी, दूसरी बर्फ़ी,
काजू पिस्ता रोल, रसगुल्ले, फिर बर्फी, फिर रसगुल्लों की दो तीन आइटम। तो और आपको क्या चाहिए? ओपन किचन, ओपन किचन का यहाँ पे पॉलिसी है। तो एलिज रेस्टोरेंट में तो आपको सब सामने नज़र आ रहा है कहाँ पे क्या पक रहे हैं, किस तरह से पक रहे हैं, हाइजीन का क्या सीन है, तो वो सब कुछ आप देख सकते हैं किस तरह से पक रहे हैं। ये सामने बहुत प्यारी सारी बादशाही मस्जिद की तस्वीर, पेंटिंग तस्वीर की। अच्छा, इसके आगे इस साइड पर गाने लगे हुए, ठीक है, प्रोजेक्टर पे। कभी कभार यहाँ पे मूवी शूवीज भी होती हैं, नहीं तो एलिज गाने तो हमेशा लगे होते हैं। और इस साइड और ये इनकी रेस्टोरेंट साइड, हम यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फैमिली बैठ के खाना खा रही हैं, तो मैं नहीं चाहता उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। लेकिन आ जाएं आप, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। एंड ये यहाँ पे मेन्यू इनका, मैं आपको पेपर मेन्यू भी है इनके पास और इसके अलावा ये भी है। तो आप इंग्लिश करें और फॉर हेयर करें, यानी कि आपने डाइनिंग करना है, तो ये बहुत सारा वो आ गया। और इसके बाद ये चेक कर रहे हैं आप। अच्छा, मैं आपको वैसे भी जो वो भी दिखाना चाहिए, समोसा, भेलपूरी और ये सब कुछ, समोसा, बर्गर और ये वेस्टर्न फूड सारा हलाल, ठीक है, ये तमाम हलाल। और इसके बाद लंच मेन्यू के अंदर हम देख लेते हैं ये सारी टू डे बिरयानी सेट, लैम, निहारी और जितना भी मतलब तमाम किस्म की आपको कढ़ाई होगी और ये सब कुछ हो गया, मिल गया इसको। ये कढ़ीज है, ये कढ़ी है, तो आपको हलीम मिल रहा है, चिकन कढ़ी मिल रही है, कीमा कढ़ी मिल रही है, बोनलेस निहारी मिल रही है, मटन कढ़ी मिल रही है, चिकन कढ़ी, बटर चिकन कढ़ी मिल रही है, लैम गुटका निहारी, ओहो ओके, वेजिटेबल कढ़ी, दाल कढ़ी, चिकन टिक्का मसाला और साग पनीर। मैंने सारा मेन्यू नहीं बोला, लेकिन ये सब कुछ आपको अंदाज़ा होगा। इसके अलावा तमाम किस्म का बारबेक्यू, कबाब हो गए, टिक्के हो गए, चिकन हो गया, जो भी आपको चाहिए वो सब मिलेगा। बहुत मजे की है, बहुत मजे की। आप लोगों के इसलिए ये है तंदूरी पिज्जा और ये हमें बहुत पसंद आया है। जब मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया, मैं उधर डीलर से ये मैंने लास्ट टाइम खाया था, आई लव इट, मुझे ये भी पसंद आया, ठीक है। और पानी पूरी मैंने खा ली, वो बहुत मज़े की थी, और अब हमने खानी है समोसा चाट। तो ये रहा और फाइनली आप बाहर बैठ के सर्दियों में चाय भी पी सकते हैं, तो आउटडोर भी है। ये सब आपको दिखाने का मकसद जो मेन था वो ये था कि यहाँ पे आपको किसी भी किस्म का फूड प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी किस्म की स्पाइसेस और वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, हलाल भी और मसाला जात भी और वो सब कुछ। और दैट्स इट अप, आज का हमारा टूर था नेशनल मार्ट का, और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अगर आप लोगों को इन चीज़ों की प्राइजेस जाननी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपको प्राइजेस का भी अंदाजा देंगे। थैंक यू, ठीक है।